मैं हम सूर्य खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज मिशन मंगल को लेकर आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन काफी दिनों से हिचकोले खा रहा होगा। वो क्वेश्चन ये कि सूर्य भाई 200 करोड़ होगी कि नहीं, जब तक 200 करोड़ का कलेक्शंस नहीं होगा बताते रहना। दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, एक चीज जो मुझे काफी लोगों ने कही कि भैया सूर्य ट्रेड कह रहा है 4.5 करोड़ और प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं 3.65 करोड़ संडे का कलेक्शन, वो भी थर्ड संडे का। ऑफकोर्स चीजें ऊपर नीचे हो रही है, चाहे वो ट्रेड में हो चाहे प्रोड्यूसर्स में, लेकिन हम यहाँ पे किसी की गलती नहीं निकाल सकते क्योंकि हम वो राइट पे है नहीं या फिर हम उस पोजीशन पे है नहीं या हमें हर चीज एकदम क्लियर पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीजें जरूर ऐसी हुई है जहां पर ट्रेड के कलेक्शन ज्यादा आए, प्रोड्यूसर्स के कलेक्शन कम हो रहे हैं। इसमें कोई दो तरफा बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो इस फिल्म के बारे में एक मेरे यूजर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने तीन पॉसिबिलिटीज बताई इस फिल्म के 200 करोड़ तक पहुंचने की। उसमें से उन्होंने तीन बताए चीजें, उसमें से एक बताया उन्होंने कि अगर सूर्या वर्स्ट से वर्स्ट केस हुआ, भाविन करके था आई थिंक, वर्स्ट से वर्स्ट केस हुआ तो ये फिल्म 195 से 196 करोड़ जाएगी वर्स्ट केस में, ठीक है, यानी कि बुरे से बुरा। और अगर ठीक ठाक रही तो ये फिल्म 196 से 197 तक करोड़ तक जा सकती है, यानी कि एक था टाइगर का जो 197 करोड़ का कलेक्शन था वहां तक पहुंच सकती है। और आपको बता दो, एक था टाइगर बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और उस फिल्म ने उस समय आई थिंक 2012 में आई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 197 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। क्या पब्लिक आई थी फिल्म देखी, मतलब एकदम जो सलमान खान का जो दम था एकदम, मतलब ऑक्यूपेंसी या पब्लिक पागल उस समय देखने में बनता था आई थिंक, ठीक है, कमाल का था उस समय क्रेज। तो वो भी फिल्म 200 करोड़ के आसपास आ रहे थे, मिस हो गई थी। कहीं ये भी ना उस मझधार में फंस जाए, तीसरा चांस है इस फिल्म का अगर चली तो 201 करोड़ तक जाएगी। लेकिन अगर आप और मैं एक चीजों पर बात करें तो आपने नोट किया होगा, आप में से हम में से हमने प्रेडिक्ट जो किया था, मैं प्रेडिक्शन पहली बार स्टार्टिंग में ही रहूंगा, लेकिन जो प्रेडिक्ट किया था उसके बावजूद एक हफ्ते के बाद भी हमारा क्या प्रेडिक्शन था, 170 से 180 करोड़ के बीच में या मैक्स टू मैक्स ये था 175 करोड़ सूर्य भाई जाएगी। आप भी यही बोले, हम भी ये बोले, ये बड़े से बड़े तुजम का क्रिटिक भी यही कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिल्म 175 करोड़ की जगह कहाँ पे है, अभी मंडे कलेक्शन तक ये फिल्म आकर पहुंची है 189.70 करोड़, यानी कि जो ट्यूसडे कलेक्शन आया होगा कुछ 1 करोड़ या उसके आसपास तो वो पहुंचेगा कुछ 190 करोड़ के पास हो ही जाएगा, यानी कि इस फिल्म को 9.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ही चाहिए पहुंचने के लिए कहां पे 200 करोड़ के क्लब में। लेकिन मैं मानता हूं आप यही कहेंगे सूर्या नेक्स्ट फ्राइडे को फिल्म है, लेकिन आपको यहां पे बता दूं कि साहो का जो परफॉर्मेंस है वो गिरा है कल और ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा और गिरेगा और उसके पास जो ज्यादातर स्क्रीन है अब फिलहाल के लिए यानी कि बुधवार है ना जो 2-3 दिन होगा, मुझे लगता है वो मिशन मंगल के पास जाएगी। और मैं मानता हूँ नई रिलीज आने वाली है अगले हफ्ते, 2-2 रिलीज आने वाली है आई थिंक, और छिछोरे और आई थिंक पल पल दिल के पास। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि मिशन मंगल के पास पर्याप्त स्क्रीन होंगी। और अगर एक चीज नोट किया होगा आपने, चाहे वो फर्स्ट वीकेंड में किया होगा मिशन मंगल की या सेकेंड वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे या थर्ड वीकेंड में सैटरडे है ना फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वीकेंड में ये फिल्म अच्छा खासा जंप मारी जो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस फिल्म टू कलेक्ट अराउंड 3 करोड़ एंड 3.65 करोड़ इन द थर्ड वीकेंड, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ये फिल्म ने वीकेंड में अच्छा जंप मारा है। और मेरे जो दोस्त जिससे मुझे कमेंट किया उनका यही कहना, सूर्या भाई मेरे भी लॉजिक्स के ऊपर ही जा रही है फिल्म, यानी कि वीकडेज में तो नॉर्मल जा रही है लेकिन वीकेंड में ये जंप मारी, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी एक ऑडियंस है जो इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रही है और देख रही है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया बारिश मुंबई में बहुत ज्यादा है, मार्च में बारिश काफी ज्यादा है, उससे साहो हो, मिशन मंगल हो, इन सभी के शो हैम्पर होंगे, बाटला हाउस के भी शोज हैम्पर होंगे, यानी कि साफ है कि अगर जो एक हल्का हल्का पोजिशन बन ही रहा था जो 200 करोड़ का वो भी धुंधला हो सकता है, लेकिन अभी भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से। ये फिल्म मुझे उम्मीद है 200 करोड़ करनी चाहिए, इतना इस फिल्म में दम है। अगर उसके पहले उतर गई तो आई थिंक मुझे बड़ी मायूसी होगी और मुझे पता है हर अक्षय कुमार फैंस, हर बॉलीवुड फैंस को मायूसी होगी, क्योंकि अगर ये फिल्म क्लैश के बावजूद 200 करोड़ के आसपास आती है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा फैंस को, किसी भी तरह से मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहुंची तो भी बहुत खुश, नहीं पहुंची तो भी बहुत खुश, तो ऐसे ही एटीट्यूड रखिए क्योंकि हाउसफुल 4 तो आने ही वाली है,
तो एट द एंड ऑफ द डे इस साल ये अखी का ही साल है, चाहे वो 2.2 चाहे वो लास्ट ईयर के एंड में थी, उसके बाद केसरी 150 करोड़ और ये लगभग 200 करोड़ के आसपास जाने वाले। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कहीं ना कहीं आउट ऑफ माई माइंड आई एम थिंकिंग दिस फिल्म हैज ए चांस टू बी इन द, मतलब दो हफ्ते तो और बनी रहेगी मुझे उम्मीद है, और उस इस जोन में ये फिल्म मुझे लगता है 200 करोड़ पहुंच सकती है। क्योंकि अगर मेरे जो दोस्त है उसका भी यही कहना है कि सूर्या अभी सबसे इम्पोर्टेंट फेज इस फिल्म का है फोर्थ वीकेंड जो आएगा ना फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिफ्थ वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे, ये दो वीकेंड अभी भी इस फिल्म के पास है, क्योंकि एक महीना ये फिल्म चलने वाली किसी भी हाल में। इस दो वीकेंड में अगर इस फिल्म में जंप आया तो ये फिल्म आराम से 200 करोड़ जाएगी, और मुझे लगता है अभी भी फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी और उससे इस फिल्म को फायदा होगा। आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर 200 करोड़, आई होप आप भी पॉजिटिव रहे, और अगर आई थिंक कलेक्शन आए और मैंने बताऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड होगा। तो लेट्स होप कि देख करिए ये चीजें सही हो, लेकिन मुंबई की बारिश या महाराष्ट्र की बारिश मुझे लगता है ये होने जल्दी रहेगी, बट स्टिल वी कुड होप एंड प्रे फॉर बेस्ट फॉर मिशन मंगल टू क्रॉस 200 करोड़, क्योंकि ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट होगा सभी के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय।